दोस्तों प्रदीप गिरी अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम स्पीयर के बारे में देखेंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए स्पीयर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आज ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे हम देखने वाले कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीयर के जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और ए टू जेड पार्ट हम बेसिक से करेंगे और पूरे के पूरे फॉर्मुलेस भी मैं आपको याद करवा दूंगा। और मैं आपको यह भी बोल देना चाहता हूं कि दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक वीडियो इस लेसन के ऊपर दिया था। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं स्पीयर। अब यहाँ पे स्पीयर का डेफिनेशन ये सब मैंने नहीं लिखा है, स्पीयर के बारे में तो लगभग सबको पता है, आपने टेंथ में इलेवन ट्वेल्थ सब में मोस्टली आप टेंथ में स्पीयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, सर्कल के इक्वेशन हम पढ़ते थे। अब देखो यहाँ पे ये आपको सर्कल दिख रहा है पर एक्चुअली दोस्तों ये स्फीयर है, यहाँ पे 2D फॉर्म में यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, 3D फॉर्म में तो यहाँ पे फिगर नहीं दे सकता, तो आपको भी एग्जाम में अगर आया तो इसी फॉर्म में आपको बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म, सबसे पहले जैसे आपको याद होगा कि आपने सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ा होगा 11th में सर्कल का इक्वेशन, तो वैसे यहाँ पे सेंटर रेडियस फॉर्म है दोस्तों किसके लिए, पर स्फीयर के लिए। इस इक्वेशन को हम कैसे याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे एक्स है, x माइनस ए लेना है दोस्तों, क्या लेना है आपको, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस, देखो अब दूसरा वाला लेना y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या लेना है आपको, z माइनस, देखो z माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दोस्तों r स्क्वायर। अब देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ, जब आप सर्कल में आपने पढ़ा होगा तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो देखो आपको ये याद हो गया। बस कभी भी अगर आपको सेंटर पता है और आपको दोस्तों रेडियस पता है तो आप ये वाला फॉर्म, ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हो और फॉर्मूला तुरंत आप याद कर लो, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। सबसे पहले बता दूं कि इसको हम सेंटर बोलते हैं और ये दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमारे स्पीयर के ऊपर है, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेंटर रेडियस फॉर्म से हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्पीयर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म। जैसे आपको पता है कि सर्कल का जनरल फॉर्म इक्वेशन होता है, वैसे स्पीयर का भी है, तो देखो यहाँ पे पहला ये वाला तो आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चलो आपने याद कर लिया। अब ये याद करने के बाद हाँ एक और चीज मैं आपको बोल दूं दोस्तों, अगर हमारा सेंटर कभी ओरिजिन है, फॉर एग्जाम्पल जीरो जीरो जीरो, तो हमारा जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्पीयर का इक्वेशन आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो है हमारा दोस्तों ये कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पीयर। जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने देखा था, वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पीयर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम जनरल फॉर्म में आ रहे, तो देखो पहले तीनों का हमने स्क्वायर ले लिया, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको यहां पे एक्स लिखना है, फिर यहां पे दोस्तों क्या लिखना है आपको, वाई, फिर यहां पे क्या लिखना है आपको दोस्तों, जेड। अब देखो आपने x लिखा, y लिखा, z लिखा, यहां पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, u। देखो आपको ऐसे याद हो जाएगा जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, यहां पे आपने u लिखा, यहां पे आपने दोस्तों v लिखा और यहां पे आपने लिखा दोस्तों w। सभी के आगे आप 2 2 ले लो, 2 2 2, और दोस्तों फाइनली लास्ट में दोस्तों प्लस d विच इज इक्वल टू जीरो। एंड ये हमारा दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये फटाफट आपको याद हो जाना चाहिए, अगर आपको कभी जैसे सर्कल का सेंटर बोलते थे वैसे अगर स्पीयर का सेंटर बोलेंगे तो दोस्तों पहला हमने क्या लिया था, यू माइनस फॉर्म में ले लो, फिर दोस्तों वी माइनस फॉर्म में ले लो, फिर डब्ल्यू माइनस फॉर्म में ले लो, और कभी अगर आपको रेडियस बोलेंगे तो यही यू का स्क्वायर ले लो, वी का भी स्क्वायर ले लो और डब्ल्यू का भी स्क्वायर ले लो और माइनस ये लास्ट वाला है दोस्तों उसको माइनस कर दो डी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरह से लिख रहा हूं तो आपको फॉर्मूला वन बाय वन याद होते जा रहा होगा, और एक टीचर का हमेशा से ये होना चाहिए कि टीचर को भी फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, इसलिए मैं सभी चीजें आपके सामने ही लिखता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे डायमीटर फॉर्म, अब डायमीटर फॉर्म बहुत ईजी है, जैसे आपने सर्कल में पढ़ा था वैसे यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये डायमीटर के एंड पॉइंट पता है हमें, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, आपको डायमीटर पता होगा, जो सर्कल के सेंटर से एंड टू एंड पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर के एंड पॉइंट हमें पता है, और दोस्तों ये स्पीयर के ऊपर एक पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स वन लेना है दोस्तों, एक्स माइनस एक्स वन, फिर इस एक्स को फिर डायमीटर के नेक्स्ट वाले पॉइंट से माइनस करना है एक्स टू,
प्लस सेम आपको दोस्तों किसके लिए करना है, वाई के लिए करना है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों वाई माइनस वाई वन और सेम वाई माइनस, देखो वाई माइनस वाई वन हो गया वाई माइनस वाई टू, सेम यहां पे क्या आएगा दोस्तों जेड माइनस जेड वन और सेम जेड माइनस जेड टू एंड विच इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डायमीटर फॉर्म। तो इस तरह से आपने वन बाय वन सभी इक्वेशंस को अपने दिमाग में बिठा लिया है, अब इससे रिलेटेड चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आप वीडियोस को यहाँ पे रोक दो, सबसे पहले पूरे के पूरे इक्वेशंस को याद कर लो, देन वन बाय वन देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अब स्पीयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोअर लेवल से जाएंगे देन डिफिकल्ट लेवल पे हम जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, इक्वेशन ऑफ स्पीयर हमने तीन इक्वेशन देखे हैं दोस्तों, हमें सेंटर पता है। अब देखो आपको पता है अगर सेंटर अगर आपको पता है स्पीयर का, अगर आपको सेंटर पता है 1, 2, 3 तो आपको पता है कि सेंटर को हम क्या लेते हैं दोस्तों A, B, C, और दोस्तों आपको रेडियस पता है, रेडियस को हम क्या लेते हैं दोस्तों R, रेडियस आपको 2 पता है। अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म दोस्तों ये वाले इक्वेशन का आपको यूज करना चाहिए, देखो सेंटर रेडियस फॉर्म, और आप अपने स्पीयर के इक्वेशन को इजीली बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को आप 2 मिनट रोक दो, पहले आप थोड़ा सा याद कर लो फॉर्मूला देन आंसर लिखने की कोशिश करो। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ स्पीयर, इक्वेशन ऑफ स्पीयर कौन सा फॉर्म है दोस्तों सेंटर रेडियस फॉर्म, कौन सा फॉर्म है सेंटर रेडियस फॉर्म, और बहुत ही इजी लेसन है दोस्तों ये, बाकी जितने भी आपके लेसन है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल सा लेसन है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लेसन सॉल्व करना चाहिए बहुत अच्छे से, इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं लिखूं तो मुझे पता है x माइनस a होल स्क्वायर, मेरे साथ याद कर लो कोई भी फॉर्मूला देख के नहीं लिखेगा, y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या है r स्क्वायर। अब यहां पे x माइनस a, यस व्हाट इज a, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, 1 का स्क्वायर, एंड वाई माइनस बी वॉट इज बी क्या है दोस्तों 2 है, 2 का स्क्वायर, देन यहाँ पे दोस्तों क्या है जेड माइनस सी, सी कितना है दोस्तों सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर एंड विच इज आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक से मैं आपको बोला हूं कि मैं बेसिक से लेक्चर कराता हूं तो इसलिए बेसिक फॉर्मूला पहले आपको मैं बता दे रहा हूं। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को यह फॉर्मूला पता है पर कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर से अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब क्या है x है और b मतलब क्या है 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, बहुत ही बच्चे वाले तरीके से मैंने लिखा है। देन यहाँ पे y के लिए अभी करूंगा तो देखो यहाँ पे दोस्तों वाई स्क्वायर 2ab, a क्या है y, b क्या है दोस्तों 2 है प्लस b का स्क्वायर। देन दोस्तों जेड के लिए करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है दोस्तों जेड है, बी कितना है 3 है एंड दोस्तों यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड देन दोस्तों ये 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो फाइनली देखो यहाँ पे ये हमारा ए क्या है दोस्तों एक्स है, बी क्या है 1 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम मैंने सभी फॉर्मुलेस को एक्सपांड किया। अब मैं क्या करूंगा इसे सॉल्व करूंगा, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों 2x, ये क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों देखो 2 × 2 = 4y। बहुत ही आराम से सॉल्व करना इस, देखो यहाँ पे ये 2 मत समझना, सॉरी ये 2 है तो मैं इसे 2 अच्छे से बना दूं, थोड़ा सा जेड दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो 2 और जेड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है जेड है तो देखो जेड ऐसे बनाओ, देन यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 3 है और ये जेड है, 2 × 3 = कितना होगा दोस्तों 6, z देखो मैं किस तरह से बना रहा हूं प्लस 9 एंड इक्वल टू दोस्तों क्या है 4 है। तो हमने सभी चीजें लिखी, अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे देखो ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है, साथ में लिख रहे हैं देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, देन दोस्तों x वाला लिखेंगे देखो 2x माइनस 2x, y वाला माइनस 4y, Z वाला माइनस 6Z, पूरा का पूरा ध्यान मेरा बोर्ड पे, मैं जानबूझ के इधर भी नहीं देख रहा हूं कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखो ये 1 है, ये दोस्तों 4 है और दोस्तों ये 9 है, तो मैं सभी प्लस है तो सभी को प्लस कर दे रहा हूं, देखो 1 + 4 कितना होता है 5,
और फाइव में अगर मैं नाइन को प्लस कर दूं दोस्तों, अगर मैं फाइव में अगर मैं नाइन, या तो आप एक और काम कर सकते हो, देखो प्लस फोर है यहाँ पे, फोर है कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप क्या करो वन फोर फाइव होता है, फाइव और नाइन प्लस करते फोर्टीन होता है, और ये फोर यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों फोर्टीन में अगर फोर माइनस करूंगा तो टेन आएगा फिर भी, या तो आप चाहिए तो प्लस फोर इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा ना दोस्तों, तो वन और नाइन कितना होगा दोस्तों टेन, एंड विच इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर। बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक, यही इसी इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों डिपेंड है, अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो इस तरह से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्पीयर। अब देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा और मैं क्या करूंगा इसे कंपेयर करूंगा दोस्तों। हाँ, सबसे पहले कंपेयर करने के पहले, कंपेयर करने के पहले ये जो मेरा इक्वेशन है, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होना चाहिए, अगर उसके आगे कोई भी नंबर आता है तो पूरे इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, वहां पे टू आया इसलिए मैंने टू से डिवाइड किया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, देन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा एक्स बाय टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों थ्री बाय टू वाई, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों फाइव बाय टू जेड, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा फाइव, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो फाइव। तो मैंने पूरे इक्वेशन को अगर मैं टेन को अगर टू से डिवाइड करूंगा तो फाइव, टू से डिवाइड कर दिया। अब टू से डिवाइड करने के बाद दोस्तों मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख रहा हूं, अब मैं सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, कंपेयर अबो इक्वेशन सेकेंड विथ, अब देखो अगर इस फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन होता तो आप डायरेक्ट कंपेयर करते, पर अगर आगे कोई नंबर आ जाएगा तो उससे आपको डिवाइड करना है। अब यहां पे अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो कौन से इक्वेशन से करोगे दोस्तों, आपको याद है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आपको याद है टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस डी विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं देखूं तो एक्स के आगे क्या है दोस्तों टू यू है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा बाय इक्वालिटी, तो 2u जो है मेरा यहां पे इस इक्वेशन में x के आगे क्या है दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 1 अपॉन 2 और माइनस है, तो क्या आएगा माइनस माइनस 1 अपॉन 2, फाइनली u इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों माइनस 1 अपॉन, ये 2 यहां नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां पे क्या होगा u इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं v के लिए निकालू तो देखो 2v विच इज इक्वल टू y के आगे 2v है, y के आगे यहां पे क्या है दोस्तों 3 बाय 2, तो फाइनली बी इक्वल टू क्या आएगा 3 बाय 2, इसके नीचे जाएगा तो क्या आएगा 3 बाय 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू भी आ गया। अब अगर मैं z के लिए देखो दोस्तों तो यहाँ पे 2w, z के आगे 2w, यहाँ z के आगे क्या है दोस्तों माइनस 5 बाय 2, तो w विच इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2, 2 जा कितना आएगा दोस्तों 4, फाइनली ये हो गया। अब ये हमने सब कुछ निकाल लिया, अब ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसके बाद आपको सेंटर निकालना है दोस्तों, सेंटर आपको पता है, और साथ में डी निकाल दो, डी का भी जरूरत है, तो डी विच इज इक्वल यहां डी है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन को ये फाई आप अंदर ले लो, देखो ये इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये फाई अगर यहां पे लोगे तो माइनस फाई इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहिए था, चलो अभी मैं कर दे रहा हूं, तो यहां पे d इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, d इक्वल टू क्या आएगा माइनस फाइव, याद रखना। अब यहां पे अगर आप देखोगे सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w, तो दोस्तों क्या आएगा माइनस u, u की जगह पे क्या है दोस्तों माइनस वन बाय फोर, देन दोस्तों v की जगह पे क्या है माइनस थ्री बाय फोर, एंड w की जगह पे क्या है दोस्तों माइनस माइनस ऑफ फाइव बाय फोर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा वन बाय फोर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस थ्री बाय फोर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फाइव बाय फोर, तो यहाँ पे आपका u v w का आंसर यहाँ पे हमने ला दिया, मतलब सेंटर का वैल्यू हमने ला दिया। अब सेंटर का वैल्यू मतलब हमारा ये ए बी सी है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, रेडियस पे जाना है, सेंटर के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेडियस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस बोला है। अब जब मैं रेडियस निकालूंगा थोड़ा सा ध्यान रखना, अब यहां पे कैलकुलेशन के बारे में आपको सोचना होगा,
रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी। अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो दोस्तों यू का स्क्वायर कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये वाले पार्ट का स्क्वायर लिख दे रहा हूं, वन माइनस वन का स्क्वायर वन, फोर का स्क्वायर दोस्तों 16, वी का स्क्वायर इसका स्क्वायर थ्री का नाइन, फोर का दोस्तों 16, बहुत अच्छे से ध्यान दो, माइनस फाइव का दोस्तों 25 और फोर का दोस्तों 16, तो हमने पूरा का पूरा लिख दिया। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो माइनस यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डी का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ फाइव, तो यहां पे क्या है माइनस ऑफ फाइव। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहां पे देखो ये 16 पूरा वन टाइम लिख दे रहा हूं तीनों का, तो वन प्लस नाइन प्लस 25 और माइनस माइनस प्लस। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो, देखो आपके पास कैलसी है आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, 25 में अगर आप 9 प्लस 20, देखो ये 10 हो गया, 10 और 25 35 हो जाएगा, तो 35 बाय 16 और प्लस 5। अब आप 16 से आपको पता है 80 होता है, तो देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये 35 प्लस 80 अपॉन 16। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई डायरेक्ट आप अंदर का जो वैल्यू है ना वो आप अपने कैलसी में रखो और फटक से आंसर ला दो। अब देखो 80 है, इसमें अगर मैं 35 प्लस करता हूं, 80 प्लस 35 यहां पे 5 और यहां पे 11, 115, तो दोस्तों यहां पे क्या आएगा 115 बाय 16। अगर सपोज ये वैल्यू अगर डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड कर दो, अगर आप देखोगे तो ऊपर चेक करना, अगर डिवाइड होगा तो उसके बाद आप डिवाइड करके उसका वैल्यू निकालना, अदरवाइज आपका आंसर यही रहेगा, यूनिट रेडियस है तो यूनिट लिखना। तो यहां तक का पार्ट समझा है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही कुछ होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, इनडायरेक्टली स्पीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, विच पासिस थ्रू द थ्री पॉइंट्स। तो देखो मैंने एक को यहाँ पे लिख दिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया, आप कहीं पे भी पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड हुज सेंटर इज लाइज ऑन द प्लेन, यहाँ पे हमें कुछ दिया है कि उसका सेंटर ये वाले पार्ट का हमें लास्ट में यूज होगा, मैं बता दूंगा, पर उसका सेंटर अभी मैंने क्या ले लिया, एबीसी ले लिया। अब देखो मैंने इसके सेंटर को एबीसी ले लिया, सभी पॉइंट्स दे दिए। अब देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूं, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सीपी विच इज इक्वल टू सी आर विच इज इक्वल टू सी क्यू। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा मैं या तो डायग्राम बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉइंट को डिफाइन कर दो। अब देखो मैंने सीपी का जो वैल्यू है इक्वल टू यहाँ सीआर और यहाँ पे सीक्यू रखा है, क्यों रखा है दोस्तों, ये तीनों ही वैल्यूज क्या है दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल नहीं बोल सकता, यहाँ पे स्पीयर है तो यहाँ पे आप लिख दो, या तो आप रीजन नहीं डालोगे तो भी चलेगा, अगर लिखना है तो लिख दो रेडिया ऑफ सेम स्पीयर। पर इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेडिया वर्ड मत लिखो, क्योंकि वहां पे स्पीयर में कैसे रेडिया लिखोगे, पर आप समझ जाओगे स्पीयर है तो सेंटर से सभी पॉइंट्स के जो डिस्टेंस होंगे दोस्तों वो सेम आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन या तो डायग्राम लिख सकते हैं। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब देखो या तो लिख सकते कि पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट पी आर एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख दो, क्योंकि वो रेडिया ऑफ सेम सर्कल वाला वो कॉन्सेप्ट सर्कल की तरह हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं पॉइंट कौन कौन सा है, पी है, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों आर है, तीसरा क्या है क्यू, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी या तो सेंटर सी, ये बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं सीपी इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों सी क्यू, और इक्वल टू मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं सी आर। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक बार आप सीपी और सी आर ले लो और एक बार आप दोस्तों सीपी और सी क्यू ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, दो दो पार्ट एक एक बार में लेके सॉल्व करो। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक बार मैं सीपी और एक बार मैं क्या ले ले रहा हूं दोस्तों, एक बार क्या ले रहा हूं सी आर, इसे मैं लेके सम सॉल्व करूंगा, यहां से मुझे कोई इक्वेशन मिलेगा, और सेम मैं यहां पर क्या लूंगा दोस्तों सीपी, और सेम यहां पे क्या लूंगा सी क्यू, मैंने यहां पे ले लिया, ये इसका मतलब ये डिस्टेंस है। अब देखो ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है तो मैं दो दो को ले रहा हूं। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम
डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को हम इजीली निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको सीपी, अगर मुझे सीपी का निकालना है तो मैं ए माइनस वन, तो देखो यहां पे आपको डिस्टेंस मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया, ए माइनस वन प्लस यहां पे बी माइनस माइनस फोर, मतलब बी माइनस माइनस फोर मतलब प्लस फोर होल स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, सी माइनस थ्री, ये ऑलरेडी हमने नाइन्थ क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया है, सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पे सेम सी आर के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे बी माइनस माइनस थ्री मतलब बी प्लस थ्री होल स्क्वायर, एंड दोस्तों यहां पे सी माइनस जीरो, जीरो ही है ना, होल स्क्वायर यहां पे हमने लिखा। अब ये लिखने के बाद इससे पहले हम सॉल्व कर देंगे अच्छे से। अब दोस्तों देखो यहां पे ये देखो ये दोनों का रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बस अंदर वाला पार्ट लिखोगे। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए टू ए, बी क्या है वन है, और प्लस दोस्तों वन का स्क्वायर मतलब वन, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पे इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पे बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। अब देखो यहां पे क्या है, फोर पहले टू लूंगा, टू और ए ए कितना है दोस्तों, बी है, और बी कितना है दोस्तों, फोर है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब सिक्सटीन। मैं सोच रहा हूँ कि इसी में सम सॉल्व हो जाए, पर लग नहीं रहा है कि इसमें सॉल्व होगा। और दोस्तों इसके बाद दो एक्सपांड हुए, अब ये एक्सपांड कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा, सी स्क्वायर, अब यहां पे दोस्तों क्या आएगा, टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन। तो यहां पे हमने देखो एक बार मैं चेक कर लू, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट मुझे बाद में सॉल्व करना होगा कि इसी में जगह जा रहा है। अब इक्वल टू, अब इक्वल के इधर वाला मैंने रूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब वन का स्क्वायर और वन ही होगा। यहां पे दोस्तों क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे दोस्तों सी माइनस जीरो, यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई मत करो, सी माइनस जीरो सी होता है, और सी का स्क्वायर डायरेक्ट आप प्लस सी स्क्वायर लिख दो। अब इसको अच्छे से करो सॉल्व और उसके बाद बाकी का फैसला होगा। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ए स्क्वायर टू ए वन प्लस बी स्क्वायर प्लस एट बी, अगर इसमें एक भी वैल्यू अगर छूट गया ना, प्लस सिक्सटीन सी स्क्वायर सिक्स सी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी प्लस नाइन प्लस सी स्क्वायर। अब हमने हर एक वैल्यूज लिख दिए, अब देखो कि आप कौन कौन से वैल्यूज कैंसल हो रहे हैं दोस्तों। अब यहां पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, काउंटिंग भी गलत हो गया, चेक कर ले रहे, वन 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 परफेक्ट है, एक इसका सही है, इसका सही है, ये कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो। ये वन लिखा हूं, हाँ लिखा हूं, ये बीस पर ये और ये भी हाँ। अब देखो यहाँ पे कोई कोई जो जो तुम्हें सेम दिख रहा है, देखो बी स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, कैंसिल करने में बहुत मजा आता है। और क्या क्या कैंसिल हो गए दोस्तों, ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो माइनस टू ए है, यहां पे माइनस टू ए कैंसिल हो गया, प्लस वन कैंसिल हो गया। अब यहां पे एट बी, देखो प्लस नाइन कैंसिल हो गया, और फाइनली उस साइड सब कुछ कैंसिल हो गया है, बस सिक्स बी बचा है, और यहां पे भी सिक्स बी बचा है, और दोस्तों सी बचा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे दोस्तों क्या बचा है, एट बी माइनस सिक्स सी
और ये 6c यहां पे आएगा तो दोस्तों माइनस 6b ये वाला, और देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और ये 16 दोस्तों उस साइड ले लो इक्वल के, तो ये -16। अब पूरे इक्वेशन को अगर चाहोगे तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4b, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3c, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3b, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा -8। और अगर आप देखोगे 4b में से अगर आप 3b को माइनस कर दोगे तो दोस्तों आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर बी आएगा, बी माइनस 3c इक्वल टू -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर है। और एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं कि पूरा का पूरा परफेक्ट है कि नहीं, आप भी चेक कर लो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं। और सेम ऐसी हम एक और को रख के एक इक्वेशन निकालेंगे और वहां से हम, हमारा पहला एम क्या है, हमें एबीसी का वैल्यू निकालना है। एबीसी का जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तुरंत अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट है। अब यहां पे बहुत ही आराम से देखो, आपने सीपी सीपी और आपने सीआर निकाल दिया, आप कोई भी दो और ले लो। तो मैं जानबूझ के सीपी फिर से ले रहा हूं, सीपी फिर से ले रहा हूं, और सीपी के साथ दोस्तों मैं क्या ले रहा हूं, दूसरा वाला ले रहा हूं। सीपी सीआर हो गया तो अब सीपी के साथ क्या ले रहा हूं दोस्तों, सीक्यू ले रहा हूं। अब इसे भी आपको बहुत आसानी से बहुत आराम से मैं ये वाला पार्ट यहां रख दे रहा हूं, और इसे मेरा सजेशन है कि आप प्लीज खुद से ट्राई करो एक बार सॉल्व करने के लिए, एक भी इसके अंदर रॉन्ग करने की कोशिश मत करना। और बहुत आराम से अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मैं पूरे बेसिक से बता रहा हूं इसलिए लंबा वीडियो जाएगा, तो प्लीज समझने की कोशिश करना। अब देखो यहां पे अगर मैं सीपी ले रहा हूं तो ए माइनस वन, तो यहां पे क्या आएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दो से यहां पे क्या आएगा बी माइनस माइनस प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा दोस्तों सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। और सेम ऐसे ही आप उधर पे सी क्यू के लिए लोगे तो क्या लोगे दोस्तों ए माइनस वन, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस दोस्तों प्लस बी प्लस फाइव का होल स्क्वायर और सी सी माइनस टू का होल स्क्वायर, यहां पे आपने ले लिया। अब ये लेने के बाद आपको पता है कि ये दोनों साइड रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं यहां पे कैंसिल भी करके दिखा दे रहा हूं कि कैंसिल हो गया, समझ जाना कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कैंसिल कर दिया है। अब यहां पे कैंसिल होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो एक एक पार्ट आपको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला पूरा सेम है, आप चाहते तो उस वाले इक्वेशन में भी आपको कैंसिल कर देना चाहिए था, ए माइनस वन होल स्क्वायर ए माइनस वन होल स्क्वायर सेम है, कैंसिल कर दो। अब बचे हुए को आप एक्सपांड करोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, वहां पे मुझे ये वाला पार्ट सेम था तो कैंसिल कर देना चाहिए था। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बी स्क्वायर, अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं एट का डबल, फोर का डबल कितना होता है दोस्तों एट बी, और साथ में दोस्तों आपको क्या लिखना है फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन, सेम आप इसको लिखोगे सी स्क्वायर माइनस थ्री का डबल कितना होता है दोस्तों सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स सी और प्लस यहाँ पे थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इससे जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों वैसे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बी स्क्वायर, आप फाइव का डबल लोगे तो कितना आएगा दोस्तों टेन बी और प्लस यहाँ पे क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी स्क्वायर और टू का डबल कितना होगा दोस्तों फोर सी और प्लस फोर, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो बहुत ही कैलकुलेशन, ये पूरा लेसन ही ऐसा है कि कैलकुलेशन का पार्ट है, और मैं हमेशा से मेरा एक रहा है कि मैं डिफिकल्ट चीजों को भी सॉल्व कराता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये वाला सम आपको दे दूं, मेरा काम है मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, और कुछ कैंसिल हो रहा है और तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये प्लस 16 है प्लस 9 है और यहाँ पे दोस्तों 25 है, 16 और 9 मेरे हिसाब से 25 होता है, और ये 25 साथ में ये दोनों का प्लस करोगे 25 होगा और ये 25 साथ में कैंसिल हो गया, तो एक बहुत बड़ा पार्ट अपना कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 8b, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे से b वाला पार्ट यहाँ लूंगा तो माइनस 10b, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6c और यहां से अगर मैं लूंगा तो प्लस 4c और इक्वल टू 4 बचा है, देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 परफेक्ट, एक बार और चेक कर ले रहे, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ सही है, हाँ परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे हमने साइन भी लिया, अब देखो ये इसमें से अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2b
और यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से फोर सी गया तो माइनस टू सी इक्वल टू फोर। अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टू से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी माइनस सी टू। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी हमारा आ गया। अब मैं ये वाले पार्ट को यहां कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अब इक्वेशन तो आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। अब अगर आप देखोगे यहाँ बी है, यहाँ पे दोस्तों माइनस बी है। आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है कि अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन आता है तो उसको आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो मैं बहुत बेसिक से लिख रहा हूं, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती इंजीनियरिंग में। अब देखो यहाँ पे माइनस बी इक्वेशन नंबर बस डाल देना, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस सी और यहाँ पे क्या है दोस्तों टू। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो ये दोनों कैंसिल हो गया और माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा प्लस, थ्री में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, थ्री और वन कितना हो जाएगा फोर सी माइनस में, और यहाँ पे दोस्तों माइनस प्लस माइनस, एट में से टू गए तो दोस्तों सिक्स और ग्रेटर नंबर को माइनस साइन, देन दोस्तों फोर सी विच इज इक्वल टू सिक्स, देन सी इक्वल टू सिक्स बाय फोर, देन सी इक्वल टू दोस्तों थ्री बाय टू। फाइनली यहाँ पे हमें सी का वैल्यू मिल गया, इतना मेहनत करने के बाद सी का वैल्यू मिला। मार्क्स भी वैसा ही आएगा दोस्तों, टेंशन मतलब मार्क्स भी ये उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब ये सी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर पुट करूंगा तो माइनस बी माइनस सी की जगह पे देखो मैंने थ्री बाय टू रखा यहाँ पे एन इक्वल टू टू। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू टू प्लस थ्री बाय टू। अब अगर माइनस बी इक्वल टू 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 सा कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री बाय टू, माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों सेवन बाय टू, और बी इक्वल टू ये माइनस वहां पे है, प्लीज इसको कोई प्लस मत कर देना क्योंकि माइनस यहाँ डिवाइड में जाएगा तो माइनस ही रहेगा तो माइनस सेवन बाय टू। तो फाइनली हमारे पास बी और सी का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा सेंटर है दोस्तों, देखो क्या बोला है, सेंटर लाए ऑन द प्लेन, प्लेन का हमें इक्वेशन दिया। अगर हमारा सेंटर जो है देखो यहाँ पे हमारा जो दोस्तों सेंटर है, सेंटर लाए ऑन द प्लेन, प्लीज बोरिंग मत होना दोस्तों, मैं भी चाहता हूं तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता, बोल देता कि खुद से सॉल्व कर लो, पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो अब आपका जो सेंटर है दोस्तों लाई कर रहा है इस प्लेन के ऊपर, मतलब आपके सेंटर का वैल्यू तो आपको पता है एबीसी, और आपको पता है कोई भी चीज अगर किसी के ऊपर लाई कर रहा है मतलब उसका जो वैल्यू है उसके इक्वेशन में हमें पुट करना होता है। तो मतलब आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर का वैल्यू क्या होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, आपने डायग्राम बनाते टाइम ही बता दिया है। देखो यहाँ डायग्राम बनाते टाइम ही आपने बता दिया, देखो ए बी सी। तो यहाँ पे अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पुट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए आ जाएगा, वाई की जगह पे बी आ जाएगा और जेड की जगह पे सी आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें बस ये वाला जो लाइन था ना हमें किस लिए दिया था, ए का वैल्यू निकालने के लिए बस, और उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ए ऐसे ही रहेगा, बी कितना है दोस्तों माइनस सेवन बाय टू, और दोस्तों सी का वैल्यू कितना है दोस्तों थ्री बाय टू इक्वल टू जीरो। अब ये ए है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस सेवन बाय टू प्लस थ्री बाय टू इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू, मैं ये दोनों पार्ट को उधर ले रहा हूं, देखो इसको उधर ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा सेवन बाय टू, माइनस में था प्लस हो गया और ये माइनस में हो गया। अब फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा टू वन टाइम लिखूंगा और ऊपर का सेवन माइनस थ्री, देखो पूरा बच्चे की तरह सॉल्व करा रहा हूं, और फाइनली ए इक्वल टू सेवन माइनस थ्री दोस्तों फोर होता है फोर बाय टू, तो ए इक्वल टू कितना आया दोस्तों टू। ए का वैल्यू भी अपने को मिल गया, ए मिल गया बी मिल गया सी मिल गया। अब मुझे बताओ ये सपोज आपका स्पीयर है और आपको इसका वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना पता चल गया टू, बी का वैल्यू कितना पता चल गया दोस्तों माइनस सेवन बाय टू, और सी का वैल्यू कितना है थ्री बाय टू, और दोस्तों आपको ये एंड वाला पॉइंट पी पता है, आपको एंड वाला पॉइंट पी कितना पता है दोस्तों, एंड वाला पॉइंट पी कितना पता है देख लो, एंड वाला पॉइंट पी वन माइनस फोर थ्री, क्या पता है आपको वन माइनस फोर थ्री। एक बार और चेक कर लो भाई, इक्वेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे वन माइनस फोर थ्री, अब वन माइनस फोर थ्री आपने यहां पे रख दिया है,
अब आप यहां से अगर आपको यहां पे जो भी आपने वैल्यूज रखा है दोस्तों, देखो अब आपके पास सेंटर आ चुका है, सेंटर आपने निकाल दिया, पर आपको क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्पीयर। तो इक्वेशन ऑफ स्पीयर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो मेरे पास सेंटर तो आ चुका है, अब मैं रेडियस निकाल रहा हूं, तो रेडियस निकालने का आपको पता है दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकाल दो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने आपको आता ही है। तो यहां पे मुझे क्या निकालना है दोस्तों, रेडियस। अब रेडियस निकालते टाइम मैं कैसे निकालूंगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे आएगा दोस्तों, देखो यहां से यहां माइनस करो या यहां से यहां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज मैं यहां से यहां माइनस कर रहा हूं, तो यहां से यहां कर रहा हूं तो क्या आएगा, टू माइनस वन का स्क्वायर, फिर दोस्तों यहां पे माइनस सेवन बाय टू, माइनस माइनस दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्लस फोर का स्क्वायर, और तीसरा नंबर क्या आएगा दोस्तों, थ्री बाय टू माइनस थ्री का स्क्वायर। अब अगर मैं लिखूंगा, देखो आपके पास तो कैलसी है, आप चुटकी में अंदर वैल्यू डालोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो टू माइनस वन, वन का स्क्वायर, यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो माइनस सेवन बाय टू है, प्लस फोर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस सेवन प्लस एट डिवाइड बाय टू, तो आंसर क्या आएगा, वन बाय टू। तो वन बाय टू का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर दोस्तों फोर। यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं, थ्री बाय टू माइनस थ्री, देखो थ्री ऐसे ही होगा, थ्री टू जो सिक्स अपॉन टू, तो माइनस थ्री बाय टू, और माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस में ही आएगा नाइन, और टू का स्क्वायर दोस्तों फोर। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो मैं एलसीएम वाइज टाइप में सॉल्व कर रहा हूं, ये दोनों में अगर आप देखोगे नीचे सबसे मैक्सिमम नंबर फोर है, और फोर फोर के टेबल में आता ही है, वन भी फोर के टेबल में आता है, तो मैं इसे ले सकता हूं। आप अपने कैलसी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ऊपर यहां पे देखो, यहां नीचे फोर नहीं था इसलिए ऊपर फोर से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये वन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नीचे फोर है और यहाँ पे नाइन। आप ये सब टेंशन भी मत लेना कि ये कैसे आया, कैलसी से करना, ये तो फिर कैलसी का मतलब क्या है। अब दोस्तों यहां पे ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, फोर और वन कितना होगा दोस्तों, फाइव प्लस नाइन अपॉन फोर, और फाइनली अगर मैं प्लस करूंगा तो फोर्टीन, और नीचे दोस्तों कितना आंसर आएगा, टू। फोर का आंसर कितना आता है, टू। तो ये हमें क्या मिल गया दोस्तों, रेडियस भी मिल गया और हमारे पास दोस्तों सेंटर भी है। अब रेडियस भी है, सेंटर भी है, देखो मेरे को सेंटर भी दिख रहा है, रेडियस भी दिख रहा है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, जो आपने पीछे सॉल्व किया इक्वेशन ऑफ स्पीयर, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। मैं कैसे हर चीजें, अब देखो ये स्टेप मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, हर चीजें मैं बेसिक से बता रहा हूं इसलिए टाइम जा रहा है। एक्स माइनस, अब यहां पे एक्स माइनस है, देखो मैं फिर से फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप क्या करो यहां पे फटाफट वैल्यूज रखो, देखो जैसे मैंने यहां पे बताया ना, देखो यहां पे एबीसी का वैल्यू आपको पता चल गया है, वो रखो, आर का भी वैल्यू पता चल गया है, और आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। और फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे जरूर बताना। यहाँ पे ए की जगह पे आप क्या रखोगे, टू, बी की जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, माइनस सेवन बाय टू, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और सी की जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, थ्री बाय टू, और उसको आप ए माइनस बी और ए प्लस बी से एक्सपांड करो, और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे ये रखोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर फोर्टीन आएगा और नीचे टू का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, फोर, तो फोर्टीन अपॉन फोर आएगा, तो उसको आप कैंसिल करके आप कर सकते हो सेवन अपॉन टू, और फाइनली आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो बस आपको ये आंसर दे रहा हूं, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर लास्ट में आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप ध्यान दे रहे हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, इसके आगे का टॉपिक्स, और जल्दी जल्दी लेक्चर्स देखते जाओ जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन होगा कि हाँ सच में आप लेक्चर देख रहे हो, और जरूर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेक्चर्स भी बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।